सो हेलो एवरीवन, इट्स मी आदर्श। सो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास सिक्स का न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 14, जिसका नाम है बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट। और इसका आज हम प्रैक्टिस 35 करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि क्लास सिक्स के मैथ्स ऑलमोस्ट सारे लेसन्स कवर अप कर चुके हैं। अगर आप चाहें तो जाके हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके उसे देख के पढ़ सकते हैं। और एक दो लेसन से बाकी उसे हम जल्दी कवर कर देंगे, तो आपका क्लास सिक्स का पोर्शन भी खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, व्हाट विल बी ईयरली इंटरेस्ट ऑन ₹6,000 एट 10 PCPA। तो इसमें क्या करना है, हमें इंटरेस्ट निकालना है 6,000 का 10 PCPA। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पहले लिखेंगे जो जो हमें गिवन इन्फॉर्मेशन जो हमें ऑलरेडी दी गई है वो लिखेंगे। ईयर में प्रिंसिपल दिया गया है, प्रिंसिपल यानी कितना अमाउंट ऑलरेडी बैंक में है। तो प्रिंसिपल है हमारे पास 6000 ऑलरेडी बैंक में है, इसके ऊपर हमारा इंटरेस्ट आने वाला है। तो टाइम पीरियड कुछ नहीं दिया, तो हम टाइम पीरियड यहाँ 1 ईयर अज्यूम करेंगे। देन यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10 PCPA। 10 PCPA मतलब बच्चे होता है 100 रुपीज़ पर 10 रुपीज़ इंटरेस्ट आपको मिलेगा। 100 रुपीज़ पर 10 रुपीज़ आपको इंटरेस्ट मिलेगा। 10 PCPA का मतलब यही होता है। सो फ्रेंड, हमें इंटरेस्ट फाइंड करना है 6000 पे कितना इंटरेस्ट आएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे लेट द इंटरेस्ट ऑन ₹6,000, हमें पता नहीं है ना, तो हम यहाँ लिख देंगे बी एक्स। ये एक्स अमाउंट है, इंटरेस्ट है जो 6000 के ऊपर है। तो यहाँ लिखेंगे द इंटरेस्ट ऑन ₹100। 100 के ऊपर कितना रुपीज़ है, 10 PCPA है ना, तो ऑन 100 इज गिवन एज 10 PCPA। तो इस तरह से आपको लिख देना है। एंड अब आपको क्या करना है, यहाँ लिखना है आपको देन x अपॉन कितना आएगा। देखिए x अपॉन 6000 आएगा, क्योंकि हमने 6000 को कितना इंटरेस्ट आएगा उस पर x लिया है। तो यहाँ 6000 इज इक्वल्स टू रुपीज़, इंटरेस्ट कितने रुपए के ऊपर आएगा, तो 100 रुपीज़ के ऊपर आएगा। तो इस तरह से आपको लिखना है। देन 6000 को लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों तक मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ एक्स अपॉन 6000 इंटू 6000 अपॉन 10 अपॉन 100 इंटू 6000, यहाँ लिख देंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 6000। ठीक है, तो आपको इस तरह से लिख देना है 6000। तो अब क्या करना है, अब आपको ये 6000 एंड ये 6000 कैंसिल कर देना है। एंड ये 100 का 10 कैंसिल कर देना है, मतलब ये दो जीरो एंड ये दो जीरो कैंसिल कर देना है। अब बचा क्या, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे बचा आपका x एंड राइट हैंड साइड पे बचा 10 × 60। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 600। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 600। तो फाइनल स्टेटमेंट लिखेंगे द ईयरली इंटरेस्ट will be ₹600। एंड इसे एक बॉक्स बना दीजिए आप अच्छे से। तो 6000 पे 600 एक साल में इंटरेस्ट बनेगा। तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, महेश डिपॉजिटेड ₹8,650 इन अ बैंक एट अ रेट ऑफ 6 PCPA। हाउ मच मनी विल ही गेट एट द एंड ऑफ द ईयर। तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। तो मेन डिपॉजिट उसने कितना किया था, डिपॉजिट किया था 8,650 रुपये डिपॉजिट उसको। तो 1 ईयर अज्यूम करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6 PCPA। देन लेट द इंटरेस्ट ऑन, कितने पे इंटरेस्ट उसको मिलने वाला है, उसको मिलने वाला है 8,650 पे एक्स इंटरेस्ट मिलने वाला हमने अज्यूम किया है, क्योंकि हमें पता नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे देन एक्स अपॉन 8,650 इज इक्वल्स टू 6 PCPA यानी 100 रुपीज़ पे 6 रुपीज़ उसको इंटरेस्ट मिलेगा। 100 दोनों तरफ 8,650 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स अपॉन 8,650 इंटू 8,650 इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 100 इंटू 8,650 यहाँ मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 8,650। ये कट हो जाएगा, देन इसका एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। देन 6 को आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, x इज इक्वल टू 6 अपॉन 10 इंटू 865 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ध्यान में करके आपको बता देता हूँ। सो फ्रेंड, ये दोनों को मल्टीप्लाई 865 को मल्टीप्लाई 6 से करने के बाद हमारा आंसर आ रहा है 5190। तो यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू 5190 अपॉन 10। 10 का 10 इसका 10 कट करेंगे, तो हमारा x का जो आंसर आएगा x इज इक्वल टू 519 रुपीज़।
सरवण हमें क्वेश्चन में पूछा है उसको टोटल मनी कितना मिलेगा, तो उसने टोटल प्रिंसिपल उसका था 8650, तो आप प्लस कर देंगे 8650 को एंड इंटरेस्ट दोनों को प्लस करके उसको फाइनल जो मनी मिलेगा वो हमें बताना। तो यहाँ देखेंगे प्रिंसिपल, ये रफ है तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, प्रिंसिपल था रुपीज़ 8650 प्रिंसिपल था एंड उस पर इंटरेस्ट उसको मिला है, इंटरेस्ट उसको मिला है 5,590 रुपीज़ का। सो अगर ये दोनों को हम ऐड करें तो एक फार्मूला है गाइस आपको पता होगा, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये एक फार्मूला है, टोटल अमाउंट को कैलकुलेट करने का ये फार्मूला है। सो प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है हमारा 8,650 प्लस 590, ये दोनों को प्लस करने के बाद हमारा आंसर है 9,169 रुपीज़। तो ये हो गया आंसर। एक लास्ट स्टेटमेंट लिखना है, यहाँ मैं आपको स्टेटमेंट लिखा देता हूँ, महेश विल गेट रुपीज़ 9,169 रुपीज़ एट द एंड ऑफ द ईयर। इनसे एक बॉक्स बना दीजिए। तो इसके बाद आपको ये स्टेटमेंट सिर्फ एक लिखना है, सॉरी स्पेस नहीं था इसके लिए मुझे वहाँ लिखना पड़ा। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बी सेफ, बाय बाय।